जी नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? रोहित श्याम राउत। क्या करते हैं आप? मैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म्स गाता हूँ। आप प्लेबैक सिंगर है बेसिकली? हाँ, मेरी फर्स्ट फिल्म थी दुनियादारी। उसके बाद सेकंड वाज कॉफी यानी बरस का ही। देन उसके बाद कैंडल मार्च एक फिल्म थी जिसके लिए मेरे को अवार्ड मिला था। ओह माय गॉड, फैंटास्टिक। आप यहां के बैठ जाओ, आप वहां क्या कर रहे हो? नहीं सर, तुम्हारा ऑडिशन कराची गरज का? गरज आहे एक्चुअली, मतलब जरूरत है। ऐसे होता है ना कि हम हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में बहुत अच्छे से लोगों को पहचानते हैं, लेकिन कभी कभी एक चाह होती है कि यार पूरा शहर हमको पहचान। पूरा वर्ल्ड। क्या बात है, क्या बात। पहले सुन ले। ऑल द बेस्ट। एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आधी आई थी, जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे, एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आधी आई थी, जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे। दिल से रे, दिल से तेरे, दिल से रे, दिल से रे, गा मा पा बनी बा गा मा पा बनी बा गा मा पा मा पा नि सग सनी 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 दा पा मा 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 सग सनी ग सका मा पा बनी बा गा मा पा बनी बा गा मा पा नि सग सनी 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 दा पा मा 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 सग सनी ग सा। पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, पेड़ों की शाखों से उतरे थे, फिर इतने मौसम गुजरे, वो पत्ते दो बेचारे, फिर उड़ने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे, वो पत्ते दिल 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 थे, वो दिल थे दिल 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 थे। दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा, मौसम गुजरते ही रहते हैं। ओ, 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 दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा, मौसम गुजरते ही रहते। दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 पिया, जिया 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 जिया, दिल से रे। बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, बहुत सारे सिंगर्स ने दिल से भी गाया होगा, किसी ने दिल से को रिकम्पोज नहीं किया होगा ऐसे जैसे आपने किया है। दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया पिया। इतनी हस्की आवाज में सरगम लेना, गामा पा, मा पा, बनी रे बा गामा पा, एक स्टाइलाइज सरगम, कुछ कुछ चीजें थी जो मैं अगर स्टूडियो में होते तो मैं करेक्ट करता या फिक्स करता ऑब्वियसली, बट एज अ परफॉर्मेंस मुझे बेहद अच्छा लगा, विच आई थिंक इज फैबुलस। मेरी तरफ से तहे दिल से, अगर मतलब दोनों हाथ से अगर चार पांच हाथ और होते मैं उनसे भी हाँ कर देता। आप में सीरियस क्रेजी पोटेंशियल है, इनक्रेडिबल। रोहित, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि वेलकम टू इंडियन आइडल। रोहित, मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपकी इज्जत, मैं तो जितनी इनकी इज्जत करता हूँ ये भगवान श्री गणेश जी जानते हैं। रोहित, कमिंग टू यू, तुम अवार्ड विनर हो और तुम इफ एनीथिंग कुड गो रॉन्ग, कुछ गलत हो जाता तो तुम्हारे तुम्हारे लिए उस इंडस्ट्री के लिए भी खोने की प्रॉब्लम हो जाती। लोग क्या बोलते, अरे तुम इंडियन आइडल पे गए थे, क्या झंडा मारा, जो तुम्हें काम मिल रहा था वो भी बंद हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, तो मैं अभी मैं क्या करूंगा, जो मैंने एक साथ कभी एक चीज देखी है विशाल, आई एम गोइंग टू डू इट विशाल, आई नीड योर हेल्प। देखो रोहित, मैं एक चीज तो कर चुका हूँ और दूसरी चीज मैं करने वाला हूँ जो बहुत सालों से नहीं की मैंने। अब तैयार है? जी सर। रोहित, तुम्हारी गायकी सुनकर एक ही बात अनु मलिक कहेगा, आग लगा दी, 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 आग लगा दे। थैंक यू सर। अरे ये देखो तुम्हारे लिए।